Hey guys, welcome to day 2 and today we are going to a different place. We will also cover some places of South Goa and then we will be going to North Goa. So, आज बहुत ही लेट हो चुके हैं हम निकलने के लिए तो बाकी बातें रास्ते में करते हैं और ये मैडम पूरा सफरी में जाने के लिए तैयार है. हाय बोलो. तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं द ओल्ड गोवा म्यूजियम और रास्ते पर काफ़ी अच्छा अच्छा व्यूज हमने देखा जो आप देख सकते हैं और वेदर भी आज काफ़ी अच्छा है. तो चलिए हम आपसे बात करते हैं ओल्ड गोवा म्यूजियम पहुंचने के बाद. जनाब आज एलिफेंट खरीदने वाले हैं. क्या क्या है, कितना है? ये पेड़ आएगा 1200 रुपये. हमने कैंडल्स लिए हैं चर्च में जलाने के लिए. कैंडल्स दिखाना. अनामिका यहाँ में मछलियों से फिश स्पा करा रही है. मैं भी करा रहा हूँ. बहुत मजा आ रहा है इसमें. स्ट्रेस फ्री भी कर देगा बिल्कुल. आप लाइट फील करेंगे. स्टार्ट. अभी हम जा रहे हैं म्यूजियम. नहीं, चर्च जा रहे हैं. कौन सा चर्च होगा? कोई चर्च. रुको, बोर्ड वगैरह नहीं मिल रहा. बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस. बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस. तो अभी हम जाएंगे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस म्यूजियम में. हम बाद में जाएंगे क्योंकि वो इसमें पहले जाना चाहिए. सामने सब नहीं है दोनों. तो ये है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस. ये है द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च. काफ़ी पुराना है. दोस्तों अभी आ गए हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. आर्कियोलॉजिकल या तो यहाँ में सेंट कैथेड्रल चर्च और जो म्यूजियम है दोनों एक ही जगह पर है, देख सकते हैं. सेंट कैथेड्रल चर्च और जितना आपने देखा वही था म्यूजियम का. और अभी देखिए सेंट कैथेड्रल चर्च. दोस्तों थोड़ी देर पहले इन्होंने जो सेंट कैथेड्रल चर्च बोल के आप लोगों को अंदर से घुमा लाए थे एक्चुअली कुछ और चर्च है. तो अभी हम जा रहे हैं सेंट कैथेड्रल चर्च इस तरफ. तो हम अभी जा रहे हैं. थोड़ी देर पहले जो हम लोग चर्च में गए थे वो आप ऐसे एंजॉय कर लीजिए. एक्स्ट्रा चर्च बोनस पॉइंट. Oh,
दोस्तों अभी हमारा यहाँ पे घूमना ख़त्म हो गया है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, सेंट कैथेड्रल और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो था वो हमने घूम लिया है। अभी हमें जाना है नॉर्थ गोवा, तो और वहाँ जाने से पहले सबसे पहले हम जाएंगे डोना पाउला और उसके वहाँ में एक मिरामार बीच बोल के है तो वो भी देखने जाएंगे और इसके बाद हम नॉर्थ गोवा के बीचेस में घूमेंगे। तो बने रहें हमारे वीडियो पर, स्किप कर करके ना देखें। सो फ्रेंड्स वी हैव रीच द डोना पाउला नाउ, पहुंच गए हम। अभी आपका आवाज़ बहुत ही कमती आ रहा होगा, वो इसलिए आपका आवाज़ नहीं, आपको आवाज़। आपको मेरा आवाज़ बहुत कमती आ रहा होगा वो इसलिए क्योंकि अभी हम लोग डोना पाउला से निकलने के बाद बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई, तो हम अभी रुके, खाना वाना खाया, ये अजीब सा शावरमा खाया और इसके बाद बारिश की वजह से मुझे अपना माइक खोल के रखना पड़ा, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी मेरा साउंड बहुत ही कमती आ रहा होगा। अभी हम हैं मीरामार बीच पे, ये भी एक सुंदरी बीच है, आप देख लीजिए। इन्होंने एक अजीब सा शॉर्मा लिया है जो खुद से खत्म नहीं हो पा रहा है ना। अच्छा खेल रहे हैं हमें क्रिकेट, क्रिकेट ये क्रिकेट फुटबॉल और बहुत ही अलग अलग तरह के बीच स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। देखते हैं अब हम क्या क्या करते हैं, देखते रहिए आप लास्ट तक। देर इज़ अ सडन चेंज इन प्लान, हम अभी मीरामार बीच से घर जा ही रहे थे कि हमने सडनली प्लान किया कि हम जाएंगे क्रूज़ में, तो अभी हमने यहाँ में बुक किया और हम आ गए। अभी देखते हैं ये हमें कहाँ लेकर चलते हैं, ऊपर जाएंगे। क्रूज़ हमने बुक कर लिया है, उसका डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फ़िलहाल देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। देखिए वो लोग जा रहे हैं, हम भी ऐसे ही जाने वाले हैं पर हमारा जहाज थोड़ा अलग है। क्या बोल रहे थे बेटा? सस्ता था और आपको कॉस्टली वाला मिला है, कैसा टाइप का मजा आ रहा है कि लेत्रा जोर खाली कंप्लेन करते रहते।